बीच जहां एक तरफ पुलिस लोगों को जागरूक करने को कोरोना वीर की तरह डटी है, वहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठाकर अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोलंबर के समीप बैंक ऑफ इंडिया शाखा की है, जहां अभी अभी अपराधियों ने एक बड़ी लूट को अंजाम दिया है। लूट की राशि लगभग 13,61,000 रुपए बताई जा रही है। दोपहर 1 बजे दिन दहाड़े थाना भवन के निकट घटी ये घटना। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हर नुक्कड़ और चौक चौराहों पर खड़ी पुलिस क्या केवल मूक दर्शक ही है? अपराधियों के हौसले इस कदर कैसे बुलंद हो गए कि बैंक ग्राहकों से भी पैसे लूट लिए? संज्ञान में आते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए बताया कि गार्ड की लापरवाही सामने आई है, आगे की जांच किया जा रहा है। कुछ जानकारी जी? कुछ जानकारी हो कैसे हुआ? हमको क्या जानकारी है कैसे हुआ? हमको तो कब्जा कर लिया, मारा, बंदूक छीन लिया, हम क्या बताएं? आप कहाँ पर थे? यही सामने है पर गार्ड है आप? क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार सिंह। सुधीर कुमार सिंह, मारा भी है आपको? आपकी हथियार भी छीन ली गई? उसके बाद? उसके बाद क्या किया अंदर में हम क्या बताएं? हमको तो विरोध कर रहे तो हम कैसे बताएं? वही बता रहे हैं सब, बोलिए रहे जानकारी क्या है। हम लोगों को इतना परेशान कर दिया कि दिमाग काम नहीं कर रहा। कितने लोग थे कुछ पता है? एक आदमी हमारे साथ है, बाकी दो तीन आदमी अंदर थे। एक आदमी इधर आए थे, आप बाकी बाहर? जल्दी दे दो पैसा, नहीं तो मार देंगे, गोली मार देंगे। हथियार लिया हुआ था? हथियार भी लिया मुँह ढका हुआ था, नकाब हुआ, हेलमेट पहने हुए था, वाइट रंग का शर्ट था, वाइट कलर नहीं था कुछ ये था। क्या लग उम्र से क्या अंदाज लगता होगा, कितने वर्ष के होंगे वो? 22 से 23 वर्ष के, उससे ज़्यादा। 22-23 वर्ष, सभी का उम्र उसी रेंज में? बाकी लोग को हम ध्यान नहीं दिए, हमारे पास तो एक कवर किया हुआ था, हम किसको ध्यान? अच्छा अच्छा, अब क्या हुए बैंक? बैंक का कैशियर। क्या परिचय हुआ? सत्यनारायण राम। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और प्राथमिक तौर पे गार्ड की लापरवाही साफ तौर पे नजर आई है और आगे के इन्वेस्टिगेशन। सर कितना राशि है? सर राशि अभी देखी जा रही है, कितना अराउंड? ये लोग 13 लाख बता रहे हैं। 30 लाख के आसपास। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।